आज का ये वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट होगा क्योंकि इसमें हम बॉलीवुड को जज करने वाले हैं, या फिर कह लो कि बॉलीवुड की भोला ये जो फिल्म आने वाली है इस फिल्म को हम जज करने वाले हैं। जैसे कि हम सबको पता है कि भोला ये फिल्म साउथ की कैथी इस फिल्म का रीमेक है, और अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं कि कैथी ये फिल्म हिंदी में अवेलेबल है, जिसकी वजह से इसका रीमेक बनाना कोई भी सेंस नहीं बनाता। चलो अगर हम लोग ये भी कंसिडर करें कि कैथी को हिंदी में लोगों ने नहीं भी देखा है तो भी ये लोग एक ऐसी फिल्म का रीमेक बना रहे हैं जो एक सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा है। जिन्हें भी नहीं पता मैं बता दूं कि कैथी, विक्रम और अभी थालापति विजय की जो अपकमिंग फिल्म आने वाली है लियो ब्लडी स्वीट, ये तीनों फिल्में एक दूसरे से कनेक्ट करती है, और ये तीनों ही फिल्में लोकी सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा है। और ऑब्वियसली इस यूनिवर्स की और भी कई फिल्में आएंगी, जिनके बारे में अगर आप लोगों को डिटेल में जानना है कि ये तीनों फिल्में एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्ट करती है और इस यूनिवर्स की जो अपकमिंग फिल्में आने वाली है वो भी एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्ट करेंगी, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आई बटन में मैंने जिस वीडियो की लिंक दी है उस वीडियो को एक बार जरूर देखना, क्योंकि उस वीडियो में मैंने इस लोकी यूनिवर्स को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। जो भी है, जैसा कि मैं बोल रहा कि कैथी ये एलसीयू की फिल्म है, तो आप लोग ही मुझे बताओ कि क्या किसी सिनेमैटिक यूनिवर्स की फिल्म का रीमेक बनाना एक सही चॉइस है। नाउ डोंट गेट मी रॉन्ग, भोला का ट्रेलर मुझे भी बहुत पसंद आया, लेकिन अजय देवगन भोला के आगे क्या करने वाले हैं, क्योंकि पूरे के पूरे सिनेमैटिक यूनिवर्स को तो कॉपी नहीं कर सकते। और हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है कि कैथी ये फिल्म विक्रम के साथ कनेक्ट करती है, और विक्रम के कुछ ईस्टर एग्स हमने लियो ब्लडी स्वीट के प्रोमो में भी देखे। अब ऑब्वियस सी बात है कि इन तीनों ही फिल्मों को और इस यूनिवर्स की जो अपकमिंग फिल्म्स आएगी उन्हें तो बॉलीवुड कॉपी नहीं कर सकता, क्योंकि लोकी सिनेमैटिक यूनिवर्स ऑलरेडी बहुत फेमस है और इस यूनिवर्स की कैथी और विक्रम को बहुत लोगों ने देख भी रखा है। इसीलिए मुझे लग रहा है कि कैथी फिल्म का रीमेक बनाना कोई भी लॉजिकल सेंस नहीं बनाता। बाय द वे, वी नेवर नो, क्योंकि ये बॉलीवुड है, ये कुछ भी कर सकता है, चाहे तो पूरे के पूरे सिनेमैटिक यूनिवर्स को ही कॉपी कर सकता है। ऐसे ही बॉलीवुड को रीमेक वुड या फिर कॉपी वुड के नाम से नहीं जाना जाता। जो भी है, अगर ये लोग भोला को एक सोलो मूवी की तरह बनाते हैं तो एक सेंस भी बनाएगा कि इन लोगों ने एक ही रीमेक बनाया और छोड़ दिया। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे भोला कैथी का रीमेक है तो भोला 2 में हमें एक अलग स्टोरी दिखाई जाएगी, यानी इस यूनिवर्स की कॉपी नहीं की जाएगी। ये अप्रोच भी भोला 2 के लिए सही रहेगा। वरना विक्रम फिल्म के एंड में हमें जो रोलेक्स का कैरेक्टर दिखाया गया था वो कैथी 2 में और विक्रम 2 में बहुत बड़ा इंपैक्ट डालने वाला है। इसीलिए अगर कैथी 2 को भोला 2 बनाया जाता है तो ये एक बहुत सेंसलेस चीज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हॉलीवुड में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स और डीसीयू है, इनकी किसी फिल्म को रीमेक बनाया जाता है तो कैसा लगेगा? ऑब्वियसली सेंसलेस ही लगेगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि लोकी सिनेमैटिक यूनिवर्स ऑलरेडी फेमस है, जो कि आगे चल के और भी फेमस होगा। ऑन दी अदर हैंड, आप लोगों का ये कहना भी गलत नहीं होगा कि इन लोगों ने दृश्यम का भी तो रीमेक बनाया, फिर दृश्यम 2 का भी रीमेक बनाया। लेकिन अगर देखा जाए तो उनका रीमेक बनाना एक बार चल भी जाएगा, क्योंकि वो फिल्म में किसी भी सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा नहीं है। और जब दृश्यम का फर्स्ट पार्ट बनाया गया था तो दृश्यम की जो ओरिजिनल फिल्म थी साउथ वाली, वो हिंदी में अवेलेबल नहीं थी। जिसका रीमेक अगर हिंदी ऑडियंस के लिए बनाया जाता है तो वो एक बार चल भी जाएगा, लेकिन फिर किसी सिनेमैटिक यूनिवर्स की फिल्म को कॉपी करना ये एक लेजेंड वाली बात हो गई। यानी अगर बॉलीवुड लोकी सिनेमैटिक यूनिवर्स की और भी कई फिल्मों को कॉपी करेगा तो बॉलीवुड रीमेक बनाने में एक लेजेंड की कैटेगरी में आ जाएगा। वैसे ही बॉलीवुड का नाम कम बदनाम है क्या? क्योंकि बॉलीवुड की हर अल्टरनेट फिल्म एक रीमेक है, और ऐसा मैंने बॉलीवुड के अलावा किसी भी फिल्म इंडस्ट्री में नहीं देखा। हाँ, मानता हूँ कि हर फिल्म इंडस्ट्री एक दूसरे से इंस्पायर्ड होकर चीजें बनाती है, इवन रीमेक्स भी बनाती है, लेकिन रीमेक बनाने में जिस लेवल पे बॉलीवुड है उस लेवल पे कोई भी फिल्म इंडस्ट्री नहीं है। मैं मान जाऊंगा कि अगर आप लोग मुझे कमेंट में किसी ऐसी फिल्म इंडस्ट्री का नाम बताओगे जिसकी हर अल्टरनेट फिल्म एक रीमेक है। अब देखो, ऐसा नहीं है कि ये जो रीमेक्स बनाए जा रहे हैं इसकी वजह से हम पूरे बॉलीवुड को खराब कहें, क्योंकि बॉलीवुड में भी बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं जो बहुत अच्छी फिल्में बनाते हैं, लेकिन वहाँ पे फिर हम लोगों की गलती है क्योंकि हम उन फिल्मों को उतना स्पॉटलाइट देते ही नहीं, और बस यही कहते रहते हैं कि बॉलीवुड तो सिर्फ रीमेक ही बनाता है, क्योंकि ऑब्वियसली उन फिल्मों में शाहरुख, सलमान और अक्षय जैसे बड़े एक्टर्स नहीं होते, तो हम उन फिल्मों को भाव ही नहीं देते, राइट? इसमें सबसे बड़ी गलती ऑडियंस की ही है, क्योंकि बॉलीवुड तो वही बनाएगा जो सब लोग देखना पसंद करते हैं। नो डाउट, अजय देवगन की भोला का ट्रेलर बहुत अच्छा है और मुझे वो पसंद भी आया, बट लेट मी टेल यू, मुझे ओरिजिनल कंटेंट देखना बहुत पसंद है, चाहे उसके लिए मुझे किसी भी फिल्म या सीरीज को सबटाइटल में ही क्यों ना देखना पड़े, मैं उसे देख लूंगा। बस ये रीमेक्स उनके लिए अच्छा है जो हिंदी के अलावा और कोई लैंग्वेज नहीं जानते, या फिर उन्हें सबटाइटल में देखना पसंद नहीं है, तो उनके लिए रीमेक्स ठीक है, बट किसी सिनेमैटिक यूनिवर्स को तो कॉपी मत करो यार। और हाँ, इस वीडियो में मैंने जो भी कुछ कहा है उसे गलत वे में मत लेना, क्योंकि मैं इस वीडियो में ऑलरेडी 2 बार कह चुका हूँ भोला का ट्रेलर मुझे भी बहुत पसंद आया। बस मेरे दिमाग में यही क्वेश्चन था कि भोला के बाद ये लोग क्या करने वाले हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये फिल्म अच्छी खासी चलती है तो इसके सीक्वल की भी पॉसिबिलिटी है। जो भी है, आप लोगों को क्या लगता है कि किसी भी सिनेमैटिक यूनिवर्स की फिल्म का रीमेक बनाना एक सही लॉजिकल चीज है या फिर नहीं, मुझे कमेंट में जरूर बताना। साथ ही अगर आप लोगों को इस वीडियो में से थोड़ा सा भी कुछ पसंद आया होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, और मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे ही मूवीज रिलेटेड कंटेंट मेरे चैनल पे रोज आते हैं, तो सब्सक्राइब करना भूलना मत। सो मिलता हो ऐसे किसी अगले
अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।